दिल्ली के उत्तम नगर में दिन दहाड़े लाखों की डकैती हो गई, सीसीटीवी में कैद। बिजली कर्मचारी बनकर चार युवक घर में घुसे और पिस्टल और चाकू की नोक पर घर में मौजूद बुजुर्ग महिला, युवती, छोटी बच्ची और एक युवक के हाथ पैर को टेप से बांधकर लॉकर खुलवाया और लाखों रुपए के जेवर और कैश लेकर फरार। सीसीटीवी की तस्वीरों में देखिए किस तरह युवती के दरवाजे खोलते ही हथियारबंद बदमाश घर में दाखिल हो रहे हैं और सबको टेप से बांध रहे हैं। छोटी बच्ची जो डर के मारे चीख रही है उसको भी धमका रहे हैं। कुल आधा घंटा में बदमाशों ने अलमारी में रखे लॉकर को कोड के जरिए खुलवाया, जिसमें 8 लाख रुपए नगद थे और महिलाओं की आभूषण उतरवाई, जिसकी कीमत लगभग 6 लाख रुपए है। मीनार से पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश यहां से फरार हो। जिस फ्लैट में ये वारदात हुई वो इस बिल्डिंग में चौथे माले पर स्थित है और फ्लैट के मालिक प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, जो वारदात के वक्त अपने दफ्तर में मौजूद। वहीं परिवार की ओर से इस वारदात की सूचना पुलिस को दे दी गई है, जिसके बाद पुलिस अब इस मामले की जाँच कर रही और बदमाशों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। क्या नाम है आपका? विनोद शौर्य। विनोद, क्या हुआ आपके घर में आज? अभी 2 बजे के आसपास कुछ 4 लोग आए, उनके हाथ में बंदूक थी और छुरे भी थे, और वो मेरी वाइफ को, मम्मी को और मेरे साले आए हुए, उनको टेप से उन्होंने बांध के उनकी सारी ज्वेलरी उनके उतार ली उनकी, और लॉकर खुलवा के जितनी सारी ज्वेलरी थी और कैश था वो सारा ले गए। अच्छा, और जो घर में कोई छोटा बच्चा भी मौजूद था? 2 छोटे बच्चे थे और उनके हाथ में पूरी रिवॉल्वर थी, 2 रिवॉल्वर थी और 2 गन थी। सब बता रहे हैं कि बच्चे बता रहे लोगों के कि सारा कुछ वो जो है निकाल के हमसे, हमें कान पे बंदूक रख के, माथे पे बंदूक रख के और सारा कुछ निकाल के ले गए। कितने पैसे ले गए और क्या ज्वेलरी ले गए? ज्वेलरी होगी 4-5 की ज्वेलरी होगी, 7-8 लाख रुपये कैश होगी। अच्छा, और ये कब आए और क्या बोल के अंदर घुसे? ये आए कि हम बिजली वाले हैं और बिजली वाले बोल के कि हमें बिजली ठीक करनी है, और जो खुलवा लिए जबरदस्ती उन्होंने लॉक और अंदर आ गए। ठीक है।